अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ डिस्कशन अबाउट द जनरल एनाटॉमी इज सर्कुलेटरी सिस्टम। यू कैन फाइंड इट ऑन द चैप्टर नंबर 6 ऑफ लाइकोसान। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल डू द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को जब भी हम क्रॉस सेक्शन उसका लेते हैं, सो वी कैन सी थ्री लेयर्स, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी तीन लेयर्स होती हैं। जब भी हम देखेंगे तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर इज़ नोन एज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सबसे बाहरी लेयर होती है और यहाँ पे आप फाइबर्स देख सकते हैं बहुत ईजीली। यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइबर्स बने हुए हैं। दीज फाइबर्स आर ऑफ द कॉलेजन एंड द इलास्टिन। ओके, सो सेकेंड लेयर जो इसके बिल्कुल अंदर होती है, ट्यूनिका मीडिया, वो जो कि एक मिडल लेयर होती है। मीडिया का मतलब है द मिडल लेयर। ओके, सो मिडल लेयर इज़ द ट्यूनिका मीडिया। ये रेड कलर की मैंने इसलिए बनाई है, सॉरी मैरून कलर की, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ द मसल्स। ठीक है, मिडल लेयर इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ द मसल्स। द लास्ट लेयर जो कि अंदर वाली लेयर है, दिस इज़ नोन एज द ट्यूनिका इंटिमा। इंटिमा मीन्स द इनर मोस्ट। इंटिमा जो होती है, ये आखिरी लेयर होती है, ये ल्यूमिन बना रही होती है, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो यहाँ से करता है, ये ब्लड फ्लो यहाँ से फ्लो करेगा। लाइंड होती है विद द एपिथीलियम और थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। मूविंग ऑन टू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिकली 5 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और यू कैन से 6। नंबर 1 इज द हार्ट। हार्ट से ब्लड फ्लो निकलेगा इस डायरेक्शन में, इट विल गो इन द आर्टरीज। ठीक है, सो दिस वन इज़ द रीजन ऑफ द आर्टरीज। ये हैं आर्टरीज। आर्टरीज से ब्रांच करके निकलती हैं आर्ट्रियोल्स। ठीक है, एंड अगर हम इसे मोर अच्छे तरीके से बताएं तो दीज आर द टर्मिनल आर्ट्रियोल्स। मैं इसे थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ। These are the terminal arterioles. फिर वहाँ से different terminal arterioles जो निकलती हैं वो converge करती हैं, और converge करके they form the mid arterioles. Okay, mid arterioles next region है ये। This region is for the mid arterioles. अब ये mid arterioles डिवाइड करती हैं टू फॉर्म द कैपिलरी नेटवर्क। ओके, इन्होंने डिवाइड करना होता है टू फॉर्म द कैपिलरी नेटवर्क। और एक बात ये कि जब मिड आर्टरियोल्स आती हैं तो मिड आर्टरियोल्स का आप देखें यहाँ पे एक स्विंक्टर आपको नज़र आएगा। लेकिन दिस स्विंक्टर इज़ द पोस्ट कैपिलरी स्विंक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती हैं। सो फॉर दैट रीज़न जो ये आर्ट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर्ट्रियोल्स आर नोन एज रेजिस्टेंट वेसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं तो फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। नाउ दीज कैपिलरीज विल कन्वर्ज टू फॉर्म द पोस्ट कैपिलरी विन्यूल। ओके, दिस वन इज द पोस्ट कैपिलरी विन्यूल। ये है पोस्ट कैपिलरी विन्यूल। नाउ टू पोस्ट कैपिलरी विन्यूल्स विल जॉइन to form the muscular venules. अब दो muscular venules जब combine करेंगे, जब ये दोनों combine करते हैं, then they will form the collecting venules. Collecting venules finally drain back कर जाते हैं in the veins. एंड वंस आर द वेन्स, और वेन्स वापस ले जाती हैं ब्लड विद इन द हार्ट। सो द आर्टरीज आर ऑल्सो नोन एज द ईफ्रेंट वेसल्स बिकॉज दे एग्जिट फ्रॉम द हार्ट, एंड द वेन्स आर नोन एज द एफ्रेंट वेसल्स। मोर ओवर जो बात की थी आर्ट्रियोल्स की, आर्ट्रियोल्स को कहते थे द रेजिस्टेंस वेसल्स। The type of capillaries
We have three type of capillaries: the continuous capillaries, fenestrated capillaries, and the sinusoidal capillaries. The first variety is shown over here, which is known as the continuous capillaries. इन्हें continuous क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो outer layer है और throughout the capillary की जो wall है उसमें कोई discontinuity नहीं है, ठीक है, कोई सुराख नहीं है, कोई gaps नहीं है. So this is the continuous capillaries. ये mainly lungs के अंदर, brain के अंदर, muscles के अंदर present होते हैं. The next one is the fenestrated capillaries. The fenestrated capillaries वो हैं जिनके वो बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं, मतलब एक छाननी सी ये बनी हुई होती है. ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, चीज़ों की एक्सचेंज की बहुत ज़रूरत होती है. लाइक इंटेस्टाइंस, इंटेस्टाइंस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होती है, सो वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है. किडनी में बहुत ज़रूरत होती है, किडनी में ग्लोमेरुलर वो कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पे ज़रूरत होगी. नेक्स्ट वन आर द साइनोसॉइडल, द साइनोसॉइडल कैपिलरीज. देखिए साइनोसॉइडल कैपिलरीज आपको ऐसे लग रहा है जिस तरीके से किसी चूहे ने इसे खा लिया, तो वही वाला हिसाब इनका होता है. इनके ना बहुत, एक तो पहली बात ये इनका ल्यूमिन बड़ा होता है. ल्यूमिन आप देख लें, इनका ल्यूमिन डिफरेंट मैंने बनाया हुआ. दूसरी बात ये इसके ना बहुत बड़े सुराख होते हैं, बहुत बड़े गैप्स होते हैं, बहुत बड़े पोर्स होते हैं फॉर द मैक्सिमम एक्सचेंज. और ये मेनली द फीचर, इट इज़ अ फीचर ऑफ द लिवर. लिवर के ना जो हेपेटोसाइट होते हैं, लिवर के ना प्रॉपर साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, फॉर द टाइप ऑफ वेन्स आपको जनरली पता होना चाहिए कि वेन्स को हम उसके साइज के हिसाब से तीन में डिवाइड करते हैं. एक होती हैं स्मॉल वेन्स, एक होती हैं मीडियम साइज वेन्स, एक होती हैं लार्ज साइज वेन. इनके एज सच कोई स्पेसिफिक तो डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल इनका जनरल डिफरेंस जो आता है इनके साइज के ऊपर आता है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अबाउट द आर्टरीज. तो आर्टरीज का आपको पता होना चाहिए कि वी हैव द टू टाइप ऑफ आर्टरीज. एक होती हैं इलास्टिक आर्टरीज, दूसरी होती हैं द मास्कुलर आर्टरीज. इलास्टिक आर्टरीज और ऑल्सो नोन एज द लार्जर आर्टरीज, इनके ये बड़े साइज़ की होती हैं. इनके इलास्टिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें एक्सपैंड करना होता है. और ये प्रेजेंट होता है एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, मतलब जितनी भी आपको बड़ी बड़ी आर्टरीज पता है, सबक्लेवियन आर्टरी इतनी बड़ी होती है, कैरोटिड बड़ी होती है. जो मास्कुलर आर्टरीज हैं दे आर ऑल्सो नोन एज द मीडियम साइज आर्टरीज. मीडियम साइज आर्टरीज वो तमाम बाकी आर्टरीज जो आपके लिम्स को सप्लाई कर रही होती हैं वो आ जाती हैं, लाइक द ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर, पोपलीटियल, फैमरल, जितनी भी रह जाती हैं. फॉर अ टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस वी हैव थ्री टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस. नंबर वन इज द आर्टीरियो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, जो कि आर्टरीज के दरमियान प्रेजेंट होता है. ओके, फर्दर जो एनास्टोमोसिस जैसे हम डिवाइड कर देते हैं एज एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, जो बिल्कुल आखिर में प्रेजेंट होता है जब आर्टरीज ख़त्म हो रही होती हैं, लाइक स्टमक की ब्लड सप्लाई के अंदर ऐसा होता है. एनास्टोमोसिस बाय कन्वर्जेंस होते हैं और ट्रांसवर्स होता है. ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस वो जो कि आर्टरीज दो रन कर रही हों उनके दरमियान में एनास्टोमोसिस बनना शुरू हो जाए. देन देर इज़ द आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन एनास्टोमोसिस है, जो जनरली हम सारी ड्राॅइंग्स के अंदर बना रहे होते हैं. एंड द लास्ट वन इज द वीनो वीनस एनास्टोमोसिस. वीनो वीनस एनास्टोमोसिस वो है जो कि वेन्स के दरमियान में एनास्टोमोसिस बनता है. मेनली इसकी एग्जाम्पल आ जाती है लिवर के अंदर, जहाँ पे पोर्टल सिस्टम और दूसरी जो वेन्स होती हैं वहाँ के एनास्टोमोस कर रही होंगी, या फिर ये जो डॉर्सल वीनस आर्चेस बन रही होती हैं हैंड के ऊपर, हैंड के जो बैक साइड है डॉर्सम के ऊपर, फुट के ऊपर, वो इसकी एग्जांपल है.